गाइज, ये है आपकी एज कम करने वाली बेस्ट नाइट क्रीम, या फिर यूं कहें बेस्ट होममेड एंटी एजिंग नाइट क्रीम। और ये देखने में जितनी खूबसूरत है ना, उससे कहीं ज़्यादा इसके फायदे हैं। इस क्रीम को मैंने अपराजिता या फिर बटरफ्लाई पी फ्लावर से बनाया है। इसको बनाना बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, पर इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। इस क्रीम में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट की मात्रा भर भर के है, जो आपके कोलाजन प्रोडक्शन को बढ़ा करके रिंकल फाइन लाइन को रिमूव करके आपके स्किन को यंगर लुक देगा, और साथ ही साथ आपके स्किन को रेडियंट और ग्लोइंग बनाएगा। जो आपके चेहरे पोर्स होंगे उसको भी ये मिनिमाइज करेगा। तो इसको लगाना बहुत सिंपल है। आप अपने पूरे चेहरे पे पहले चेहरा साफ कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए, उसके बाद पूरे चेहरे पे अप्लाई करके इसको इस तरीके से लगा लीजिए। क्रीम अच्छे से आपके चेहरे पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये क्रीम बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। तो आप इसको बेस्ट रिजल्ट के लिए नाइट में लगाइए, डे में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर बेस्ट रिजल्ट के लिए नाइट में लगाइए। तो ये देखते हैं इस एंटी एजिंग नाइट क्रीम को मैंने किस चीज से बनाया है। एक्चुअली मैंने इसको बनाया है अपराजिता फ्लावर से। अपराजिता फ्लावर अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यूपी में इसको अपराजिता बोलते हैं, और कई वैरायटी होती है। देखिए, एक वैरायटी इस तरीके से सिंगल फ्लावर होगा और एक में डबल पंखुड़ी होगी इसकी। तो ये दो तरीके के आता है, और इसके अलावा व्हाइट कलर का भी आता है ये। तो यहाँ हमें ब्लू कलर का चाहिए। दोनों में से कोई भी वैरायटी आपको मिल जाए, आप उसका इस्तेमाल कर लें। देखिए, यहाँ दो वैरायटी दिख रहे हैं, डबल फ्लावर मतलब डबल पंखुड़ी वाला, सिंगल पंखुड़ी वाला। उसके बाद सिंपली हमें इसको क्रीम बनाने के लिए पहले हमें इसके पीछे का जो पार्ट होता है उसको कट करके निकाल देना। सिर्फ पंखुड़ी पंखुड़ी हमें इसकी चाहिए। तो इस तरीके देखिए, मैं कट करके पूरा अच्छे से निकाल दे रही हूँ। तो गाइज, यहाँ पे हमें जितनी क्रीम चाहिए उतना हमने ले लिया है तोड़ करके, और लमसम हमें 8 से 10 यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद इसमें गर्म पानी डालिए, बॉइल वाटर डालना है, उसका ढक देना की चीज़ से। उसके बाद मैजिक तो देखिए इसका, थोड़ा जूम करें फिर दिखाते हैं आपको। दस मिनट इसको गर्म पानी में रखने के बाद, उसके बाद हमने देखिए पूरा वाटर बिल्कुल ब्लूइश हो चुका है, ब्लू कलर का। पूरा जितने भी प्रॉपर्टीज़ थी इसमें पानी में चली गई हैं इसके। एंड अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको थोड़ा साइड कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलना है। हमें चाहिए ये ब्लेंडर, एक जो जिससे हमें पूरा चीज़ें ब्लेंड करेंगे। हम फ्लावर के साथ ही पूरा ब्लेंड करेंगे अच्छे से। तो इस तरीके से देखिए, देखिए हमें डायरेक्ट नहीं ब्लेंड करना है, डायरेक्ट फ्लावर डाल के भी ब्लेंड कर सकते थे, पर बिल्कुल नहीं। आप पहले इसको ये प्रोसेस करिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। देखिए पानी का कलर कितना ब्यूटीफुल आया है, सीरियसली। एंड गाइज, इसको एज अ हेल्थ आप टी भी बना के इस तरीके से पी सकते हैं। तो देखिए, ब्लेंड करके हमें इतना ऐसे कलर मिल गया है। अब हमें क्या करना है, स्टेन करना है, बिल्कुल इसको अलग से छान लेना है। छानने के बाद जितना क्रीम चाहिए उतना ही आपको इसको छानना है, मतलब ये आधा हो जाएगा, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। एंड उतना हमें उस हिसाब से आपको ये लेना है वाटर को। तो देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने जो वेस्ट मटेरियल था वो अलग कर लिया है, और जो इसका पानी आपको बचता है एज अ फेस पैक, एज अ टोनर, एज अ हेयर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर टी भी इसका पी सकते हैं। तो गाइज देखिए, यहाँ पे देखिए बहुत लोग कमेंट आते हैं कौन फ्लावर लें, कौन स्टार्च लें। आप कॉर्न फ्लावर, कॉर्न स्टार्च दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। बस देखिए ऐसा होता है कॉर्न स्टार्च, बहुत लोग पूछते हैं कैसा होता है। तो यहाँ एक चम्मच मैंने कॉर्न फ्लोर डाला, इसलिए मैंने कॉर्न फ्लोर डाला है, इधर स्टार्च नहीं डाला, बिल्कुल अलग नहीं होता। तो व्हाइट कलर के, दोनों ही व्हाइट कलर के होते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने एक चम्मच, छोटे चम्मच इस्तेमाल किया इतने वाटर में, आप देख सकते हैं क्लियरली आपको दिख रहा होगा। एंड जस्ट मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद डबल बॉयलर मेथड रखना है हमें। हमें ये पानी बॉईल हल्का हल्का जब स्टार्ट हो जाए होना, इसके ऊपर ये डालना है। आप देखिए, मैं कांच में रखा था, तो मैं इसको किसी स्टील में ट्रांसफ़र करी ताकि जल्दी प्रोसेस हो सके। एंड कभी कभी कांच टूट जाता है, इस वजह से मैंने इसमें डाल दिया। तो देखिए मैं इसको मिक्स करूँगी, जैसे जैसे पानी बॉईल होता जाएगा ये मिक्स होगा और ये गाढ़ा होता जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा क्रीम। एंड जब तक ये प्रोसेस होता है, गाढ़ा कर लेते हैं पहले इसको। क्रीम मेरी गाढ़ी हो चुकी है। अब कितना गाढ़ा, कितना पतला रखना है, कैसी कंसिस्टेंसी रखनी है क्रीम की, वो आप खुद देखिएगा, अपने हिसाब से रखिएगा। तो देखिए क्रीम मैं अपने हिसाब से गाढ़ी कर ली है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें किसी, देखो मैंने पोर कर दिया किसी अदर कंटेनर में ताकि मिक्स कर सकें। अब हमें इसके साथ जो
मटेरियल चाहिए वो बनाना है, अलग कटोरी में इस तरीके से बनाइएगा। पहले मैंने यहाँ छोटे चम्मच से मैंने यहाँ एलोवेरा जेल लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे अर्गन ऑयल लिया। अब किसी भी ब्रांड का जो भी आपको सूट करता हो आप उस ब्रांड का ले लीजिए। मैं यहाँ खादी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये इंडियन ब्रांड है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने 3 से 4 ड्रॉप मैंने ये अर्गन ऑयल का इसमें ऐड किया है। उसके बाद हमें एक्चुअली विटामिन ई कैप्सूल, यहाँ मैंने विटामिन ई की 2 कैप्सूल इस्तेमाल की है। अब इसको भी कट करके इसमें ऐड कर देना। उसके बाद इसको पहले अलग से स्मूदली क्रीम अलग से बना लेना ताकि ये उसमें जाके अच्छे से मिल सके, अदरवाइज़ कभी कभी होता है मिलेगा नहीं। इसलिए तीनों चीज़ें पहले मिक्स करके बना करके उसके बाद ही इस क्रीम में डालिएगा। देखिए मैं सारे प्रोसेस जिस हिसाब से करी उसी हिसाब से आपको भी क्रीम बनाना है, वैसे ही स्टेप में आपको भी बनाना है, बाद में बोलेंगे ये खराब हो गया बन नहीं रहा ये वो। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करिए अच्छे से। तो देखिए मैंने ये पोर कर दिया इसमें। अब इसको मैं अपने जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए, जितना मतलब गाढ़ा पतला जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अगर आपकी क्रीम गाढ़ी हो जाती है तो जो वाटर बचा था उसको छान के इसमें डाल सकते हैं पतली करने के लिए। देखिए क्रीम मेरी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है और इसका कलर तो आई लव दिस कलर। ये सीरियसली गाइस बहुत अमेजिंग क्रीम है, आप इसको बनाइए इस्तेमाल करिए। आप 25+ हैं तब से आप इस क्रीम को इस्तेमाल करते थे क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो नॉर्मल लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप 20+ के बाद से इस्तेमाल करें मैं तभी रिकमेंड करूँगी। तो इस प्रेजेंट में ना ये क्रीम आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। एंड अब है ना गाइज ये अपराजिता ये बटर पी फ्लावर का यूज़ अब जितनी भी एंटी एजिंग क्रीमें बनती हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइज इस बात पर तो एक लाइक बनता ही है ना कि पूरे YouTube पे फर्स्ट टाइम मैं इस क्रीम को बना रही हूँ, तो इस बात पे एक लाइक बनता ही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना भूलिएगा नहीं, और जितने भी 20+ 30+ लोग हैं सबको सबके साथ शेयर करिए वीडियो। तो मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ना ख्याल रहिए, तब तक ले बाय, आई लव यू, टेक केयर।